हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूरी जून गर्मी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठ के अपना फैट कटर ड्रिंक शुरू कर दिया। अभी बस जस्ट उठे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने दवा ले ली है और उठे हुए 10-15 मिनट हुए। थोड़ी सी मैंने वॉक की बाहर हाथे में। आज मेरा बिल्कुल एक्सरसाइज योगा करने का कुछ मन नहीं था, क्योंकि मन तो ऐसे गर्मी से भन्नाया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कुछ मन नहीं होता है। और थोड़ी देर टहला, टहल के आने के बाद फिर मैंने अपना फैट कटर ड्रिंक गर्म किया, उसको मैंने साइड में रखा है। और थोड़ा सा इसमें मैं नींबू निचोड़ लूँगी। नींबू और क्या कहते हैं, शहद, मैं दोनों एक साथ नहीं लेती। अगर मैंने नींबू लिया है तो शहद नहीं करती हूँ। वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं नींबू शहद दोनों साथ में फैट कटर का काम करता है, लेकिन मैं एक ही चीज़ लेती हूँ। तो यहाँ पे सिप सिप करके फैट कटर ड्रिंक अपना पी रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सर में दर्द होने लगता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो मुझे इतना ज़्यादा सर में दर्द होता है। और कभी कभी क्या होता है ना कि मेरी आदत छूट चुकी है ठंडा पानी की, तो मैं मिक्स करके ठंडा पानी पी लेती हूँ ना, तो मेरा सर दर्द तुरंत चालू हो जाता है। और उसके बाद मैं देख रही हूँ आज क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, सब्ज़ी में क्या है क्या नहीं। वैसे मेरा विकल्प है, इतनी ज़्यादा गर्मी है तो सादा सिंपल ही बनाऊँगी। झाड़ू कर लिया है, पोछा करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी ना करने का मन है। जैसे मैंने सुबह योगा एक्सरसाइज नहीं की, बहुत ज़्यादा गर्मी होना तो आप योगा एक्सरसाइज स्किप करें, थोड़ी बहुत वॉक कर लें आप। हवा, हाँ, कभी कभी ऐसा मौसम हो जाता है ना, गुड़ुम सा मौसम हो जाता है, ना हवा चलती है ना ही ठंडक होती है। अगर गर्मी के मौसम में हवा चलती रहे ना तो भी काफ़ी ज़्यादा राहत होती है, लेकिन जब ऐसा मौसम हो जाता है तो बिल्कुल भी ना खाना बनाने का मन होता है, ना ही कुछ काम करने का मन होता है, कुछ भी नहीं मन होता। तो फटाफट से मैंने झाड़ू लगाया और सबके लिए चाय नाश्ता में वही सिंपल जो सब लोग चना वना खाते हैं, किसी का मट्ठा पीने का है मट्ठा पी लिया, बच्चों ने दूध पीने का मन हुआ दूध पी लिया। सब्ज़ी में मैं बनाऊँगी आलू परवल की सूखी सब्ज़ी और एक बनाऊँगी करेला की सब्ज़ी, जो कि पद्देव जी की फेवरेट थी ही, लेकिन अब शुगर की वजह से करेला बहुत ज़्यादा बनने लगा है। पहले तो कभी कभार बन जाता था, लेकिन अब हफ्ते में 2-3 बार तो बन ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने 5-6 करेले निकाले हैं, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे। अगर शाम के टाइम जैसे क्या होता है ना, कभी कभार थोड़ी बहुत सब्ज़ी बच जाती है, तो मैं शाम के टाइम मैं और पद्देव जी ले लेते हैं करेला, क्योंकि बच्चे तो अलग ही सब्ज़ी खाते हैं, करेला पसंद नहीं करते। तो थोड़ी सी ज़्यादा बना लो ना, बना के फ्रिज में रख दो तो शाम के टाइम भी काम चल जाता है। तो बस सब्ज़ी की कटिंग चॉपिंग कर दी, करेला कट करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने रख दिया है। और क्या कहते हैं ना, पद्देव जी आए थे, उनको मैंने कहा चलो चना दे देते हैं। उनके आने से पहले सब लोग वॉक पे जाते हैं, बोले मुझे भी तुम भी वॉक पे चलो, लेकिन मैंने कहा नहीं। मैंने रात को स्नान किया था तो मैंने नाइटी पहन ली थी, इसकी वजह से मैंने ना एक्सरसाइज किया ना ही वॉक बाहर गए। थोड़ी देर हाथे में घूमा टहला, ऐसे हवा चल रही थी और हल्की हल्की हवा चलती है ना तो अच्छा लगता है। पूरा दिन किसी किसी दिन गर्मी में ऐसा लगता है ना कि जैसे जान ही निकल जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चना नमक डाल के इनको दे दिया है। और सबसे बढ़िया तरीका होता है मट्ठा बनाने का कि मिक्सी के जार में थोड़ी सी दही डालो, नमक जीरा डालो और एक बार हल्का सा चला दो ना तो मट्ठा बन करके तैयार हो जाता है। बस बहुत बढ़िया तरीका होता है। और हमारे घर में कभी कभार चाय बन जाती है, कभी कभार नहीं, मूड के ऊपर है किसका क्या पीने का मूड है। पहले तो रेगुलर बेसिस पे चाय बनती थी सुबह के टाइम, लेकिन अब कुछ दिनों से कुछ चीज़ें रेगुलर नहीं हुई। आजकल बच्चों की छुट्टी हो रखी है तो कोई भी चीज़ मतलब क्या बन जाए क्या ना बन जाए कुछ कह नहीं सकते। तो बस इन सबको चना वना दे के, बाकी झाड़ू पोछा सब्जी की कटिंग वटिंग कर ही दी है, फटाफट से स्नान किया, सर धुला, आंखें बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। जब ऐसे मेरा सर दर्द होता है या फिर कुछ ऐसा होता है ना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर काम करने का मन नहीं होता। आप लोग सोच रहे हैं गर्मी में नारियल के तेल, मैं मॉइस्चराइजर के तौर पर एक बूंद नारियल का तेल हाथ में लेती हूँ, अच्छे से मसल करके चेहरे में लगाती हूँ, बहुत 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 अच्छा होता है। आप ट्राई करके देखो, सिर्फ एक बूंद तेल लो। और फेस वॉश मैं रूप मंत्रा का यूज़ करती हूँ। आप लोग पूछते हो स्किन केयर के रूटीन के रूटीन में क्या लगाते हो, तो मैं स्किन केयर में जो है स्नान करने के बाद पहले फेस वॉश से चेहरा धो लेती हूँ, उसके बाद मैं टोनर के रूप में गुलाब जल इस्तेमाल करती हूँ, उसके बाद मॉइस्चराइजर के रूप में नारियल का तेल, जो कि एकदम नेचुरल है। गुलाब जल सभी लगाते हैं, नारियल के तेल सभी लगाते हैं, कोई केमिकल नहीं है और बहुत अच्छा ये आपके चेहरे पर ग्लो भी देगा। तो ये हो गया हमारा रूटीन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बिंदी लिपस्टिक और थोड़ा सा आईब्रो को फिल कर लिया है। आईब्रो जब बन जाती है ना तो थोड़ी सी पतली हो जाती है, मुझे चौड़े चौड़े भौंहें अच्छे लगते हैं, वैसे मेरे चौड़े लंबे भावें हैं। तो बस फटाफट से रेडी हो चुके हैं, चलते हैं पूजा पाठ करते हैं, फिर दोपहर के लंच की तैयारी करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मैंने सोचा चलो सर धुल लेते हैं। माँ तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता। और पूजा पाठ करने के आने के बाद यहाँ पे मैंने निकाल लिया है नमक, काला नमक, जीरा, दही और थोड़ा सा जो सत्तू होता है उसको। कुछ भी मतलब ऐसे खाने पीने का आज मन नहीं हो रहा था, ना ही मैंने कोई नाश्ते की तैयारी कर रखी। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, एकदम से मन ऐसे लग रहा था ना, बहुत बहुत बहुत
मतलब बहुत अलग वाली गर्मी थी। ऐसे होता है ना कभी कभी, मैं क्या बताऊँ इस गर्मी के बारे में, आप लोग महसूस किए होंगे इतनी ज़्यादा इस बार गर्मी पड़ रही है, सबको पता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से काला नमक, जीरा, ढेर सारा दही डाला है और मैं यहाँ पे 3 गिलास मट्ठा बना रही हूँ अपने लिए, बच्चों के लिए। अभी खुद बना के पी लो ना तो बच्चे कहेंगे मम्मी मेरे लिए नहीं बनाई, मैंने कहा इसलिए सबसे पूछ लेते हैं, बाद में पीने की टाइम बैठे पीने तो ये कहे मुझे भी चाहिए, वो कहे मुझे भी चाहिए, तो इसलिए मैंने सबसे पहले सबको पूछ लिया है। तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास मट्ठा बनाया है, थोड़ा सा इसमें सत्तू डाल दो। सत्तू क्या होता है, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक भी देती है, प्रोटीन भी होता है और पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे 3 गिलास मट्ठा सत्तू वाला बन करके रेडी हो चुका है। और मुझे भी मतलब ऐसे ही पीने के बाद कभी कभी भूख लगती है ना, ऐसे पेट में जलन सी होती है, पता नहीं चलता ये गर्मी की वजह से होती है, भूख की वजह से होती है कि क्या पता। जब कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें पी खाओ ना तो बहुत 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 अच्छा लगता है। तो बस मट्ठा पी के मतलब बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर दाल धुल के मैंने रख दिया है और आजकल मैं जब सादी सिंपल दाल बनाती हूँ इस तरीके से ना, तो मैं कोशिश करती हूँ इसका जो क्या कहते हैं वो झाग निकालने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन जब मसाले वाली दाल बनती है तो फिर कोई चांस ही नहीं होता। तो एक तरफ मैंने दाल में पानी डाल करके रख दिया, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें कसूरी मेथी, जीरा, राई के दाने, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची नाम की हरी है, सिर्फ हरी ही मिर्ची है, तीखी मिर्ची बिल्कुल नहीं है। कभी कभी मिर्ची भी ऐसी आ जाती है कि ये बिल्कुल तीखी भी नहीं होती, कितनी भी मिर्ची डाल लो लेकिन ये तीखापन नहीं होता। तो बस थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी डाल के इसे अच्छे से छोंक दिया है, ये पकता रहेगा, अभी नमक मसाले इसमें कुछ नहीं जाएंगे तब तक जब तक ये खूब अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती। मोटी तली की कढ़ाई, धीमी धीमी आँच पर कोई भी सूखी सब्जी आप पकाएं तो बहुत अच्छी पकती है। तो एक तरफ हमारी सब्जी पक रही है, दूसरी तरफ ये जो झाग निकल रहा है इसको मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ कलछी से, जितना भी आपको सफ़ेद झाग दिखे निकाल लो। ये क्या होता है ना, बहुत बहुत अच्छा होता है, जिनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इस तरीके से दाल बनाने से ना यूरिक एसिड कभी नहीं बढ़ता, पहले इसी तरीके से बटली में दाल बनती थी, लेकिन अब कुकर का ज़माना आ चुका है तो फटाफट से हल्दी नमक डाल के ढक्कन लगा दो, भाई सीटी आ गई, फटाफट से दाल बन गई, चाहे वो हेल्दी हो चाहे ना हो, अब क्या ही कर सकते हैं, यही ज़माना है, सबके घर में ऐसा बनता है। हम भी बनाते थे लेकिन अब क्या है ना, कुछ दिनों से मुझे प्रॉब्लम है, एड़ियों में दर्द है, तो कोशिश करती हूँ मैं इस तरीके से दाल बनाऊँ। तो यहाँ पे सब्जी आधे से ज़्यादा पक चुकी थी तो मैंने थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, नमक डाल के एक बार अच्छे से फिर से मिलाएंगे और इसको फिर से अब ढक के पकाएंगे ताकि ये भाप भाप में अगर जो कोई कसर हो आलूओं में तो आलू भी पक जाए। जब तक दाल सब्जी पक रही है तब तक करेले में नमक डाल के मैंने छोड़ रखा था, इसको अच्छे से मसल करके इसका सारे पानी निकाल देते हैं। इस तरीके से करेला बनाओ तो कड़वाहट कम होती है। करेला भी बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, मसालेदार करेला, भरवा करेला, करेला प्याज, करेला दो प्याजा, बहुत बहुत तरीके से बनाए जाते हैं भैया, जितने भी तरीके आप जानते हो बना डालें, लेकिन मेरा सबसे अच्छा और सटीक तरीका और बढ़िया भी लगता है। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, एक बार नमक डाल के इसका सारा पानी निकाल दे, चाहे तो आप इसे धुल भी सकती हैं बाद में, लेकिन मैं धुल करके बनाती हूँ तो जब मैं सब्जी बनाती हूँ तो नमक थोड़ा सा कम डालती हूँ क्योंकि इसमें नमक पहले से थोड़ा बहुत रह जाता है। तो जब भी सब्जी बनाए इस बात का ध्यान रखें कि नमक आप इसमें कम डालें। तो मैंने आज प्याज की क्वांटिटी कम रखी है, 6 करेले थे 2 प्याज डाली थी, वैसे अगर 4 करेले हैं तो आप 3 प्याज डालें इस तरीके से। तो यहाँ पर ये मसाला आमचूर पाउडर, थोड़ा सा घर का बना हुआ मसाला इसमें डाल दिया है और डाल करके अच्छे से मिला देंगे, सब्जी बन करके रेडी है। इसी कढ़ाई को खाली करके मैं इसी में करेले की सब्जी छोंक देती हूँ, बिल्कुल सिंपल कढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जी निकाल लिया है मैंने दूसरे बर्तन में और इसी में मैंने थोड़ा सा तेल डाल के मेथी डाल के बस करेले को छोंक दिया है। तो करेले को साथ में छोंक दे, बहुत सारे लोग पहले प्याज फिर करेला डालते हैं, तो जैसे आपको आता हो, जिस तरीके से आपके घर में खाया जाता हो, जैसे आपको पसंद आता हो उस तरीके से बनाएं। फिलहाल मैं ऐसे तरीके से बनाती हूँ लेकिन बहुत अच्छा बनता है करेला। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक हल्दी डाल दिया है, कोई भी सब्जी हो, गोरखपुर में जब से आए हैं ना, अच्छा आप लोग ऐसा करते हैं कि नहीं हरी सब्जी में हल्दी डालते हो कि नहीं, नेनुआ हो, लौकी हो, करेला हो, भिंडी हो, कोई भी सब्जी हो, भैया हल्दी तो जाती जाती है जब से मैं गोरखपुर में आई तब से। तो यहाँ पर दाल भी बन के तैयार हो चुकी है और क्या कहते हैं आलू और परवल की सब्जी भी बन के तैयार है जो कि मैंने साइड में रख दिया है कुकर को धुल करके। मैंने चावल भी ऐड कर दिया है कुकर में। कभी कभी सोचती हूँ ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है, चलो रोटियाँ नहीं बनाते, लेकिन मेरे घर में रोटियाँ ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे पद्देव जी, हमारे बेटे का पेट ही नहीं भरता, हम माँ बेटी तो चलो खा लेंगे चावल, लेकिन गोलू और उनके पापा को, दोनों लोग को चाहिए होते। तो बस एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ मैंने करेला को एक बार फिर से चलाया है और एक टमाटर का छिलका उतार दिया है। आज टमाटर को पील करके मैंने कट करके इसमें करेले में डाल दिया, खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे और भी ढक देंगे। करेले को खूब अच्छे से लाल लाल होने तक पकाएंगे, लेकिन जब भी हम करेला पकाएंगे ना खूब धीमी धीमी आँच पर इसे अच्छे से पकने देते हैं। धीमी धीमी आँच पर ही कोई भी सब्जी पकाएं तो वो अच्छी पकती है। तो दूसरी तरफ साइड में मैंने करेला रख दिया दूसरे वाले पे, छोटे बर्नर वाले पे, और इधर फटाफट से मैंने सोचा रोटियां भी बना लेती हूँ, कितनी जल्दी किचन का काम खत्म हो जाए, कितनी जल्दी पंखे के नीचे चली जाऊँ, राहत हो जाए, तो रोटियां भी बन जाएगी और इधर करेला भी आराम से अपने आप धीरे धीरे पक जाएगा।
तो भाई सबका दोपहर का लंच हो चुका था, मैंने किचन की साफ़ सफाई कर दी, बर्तन की साफ़ सफाई कर दी। अब मेरे लंच करने की बारी आती है, तो मैंने फटाफट से एक खीरा लिया, कद्दूकस कर लिया, इसमें थोड़ी सी धनिया मिर्ची, काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, दही डाल के ये फर्स्ट क्लास रायता बन चुका है। वैसे तो खीरे का रायता बहुत बहुत अच्छा लगता है, चाहे रोटी के साथ खाएँ चाहे चावल के साथ खाएँ। वेट लॉस जर्नी में ये समझिए आपका रामबाण है, आपके वजन कम करने के लिए, बहुत देर तक पेट को भरा रखता है, ठंडक भी रखती है। तो यहाँ मैंने अपने खाने में हरी मिर्ची आज शामिल की है, क्योंकि तीखी सब्जी बिल्कुल नहीं है। एक कटोरी रायता, एक कटोरी दाल, दो रोटी। वैसे सच कहूँ ना तो एक रोटी ही पर्याप्त हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक रोटी से ही काम चल जाता है, इतनी सारी सब्जी रहती है, साथ में ये रायता रहता है और एक कटोरी दाल हम पी लेते हैं। वैसे आज जो दाल बनाई उसे मैं पी ले रही हूँ, काफ़ी दिन से मैं दाल खा नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द है। खाऊँ या ना खाऊँ दर्द तो रहता है, तो मैंने सोचा चलो भाई ना खाने से दर्द रहता है तो फिर खा के ही दर्द से हैं। और पता नहीं क्या कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, तलवे उलवे इतने ज़्यादा दर्द करने लगते हैं कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं जो ये रायता बनाई हूँ ना, इतना बढ़िया लग रहा है कि क्या बताएं। और उसके बाद थोड़े बहुत जो बर्तन थे उनको साफ़ किया और लोटे भर का पानी, आजकल गिलास से काम पानी चल नहीं रहा है, एक गिलास पानी लेके बैठो तो फिर प्यास रह ही जाती है, तो फिर दोबारा लेने का पानी मन नहीं होता। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब से मैं लोटा निकाल लेती हूँ, पूरा एक लोटा भर के पानी दिन भर में, कम से कम आजकल मैं 6 लीटर 6.5 लीटर पानी पी रही हूँ लगभग। और क्या बताऊँ, मतलब इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है ना, ये लोटा 1 लीटर का है, पहले मैं आधा लीटर का ग्लास लेती थी उससे काम चल जाता था। और शाम के बजे हैं 4, मैं थोड़ी सी सो के उठी हूँ और मुझे नींद भी आ गई, क्योंकि रात में नींद नहीं आई थी मारे गर्मी के मारे, पर इतनी ज़्यादा गर्मी कि मैं बता नहीं सकती, ये 2 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो थोड़ा सा चना लिया था, एक मुट्ठी से भी कम चना है, थोड़ा सा मैंने गुड़ लिया था, पहले मैं गुड़ बहुत ज़्यादा खाती थी और मैं थोड़ी सी गुड़ की क्वांटिटी कम कर रही हूँ, लेकिन हाँ आजकल मेरा वज़न एक ही जगह पर आके रुक चुका है फिर से। कभी कभी क्या होता है वज़न कम हो जाता है, लेकिन हम जितना चाहते हैं उतना नहीं कम होता, एक ही जगह पर आके रुक जाता है। तो फटाफट से एक लोटा पानी पिया और चाय चढ़ा रखी है सबको, चाय देंगे बना के, उसके बाद हम वॉक पे निकल जाएंगे। और शाम के टाइम का अभी जो मौसम हो रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, 5 बजे तक तो बिल्कुल धूप होती है, अभी शाम के 5:30 बजे हैं, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा उजाला है। लगभग आजकल धूप जो है ना 7 बजे की लगभग धूप जाती है। तो आज मैं टहलते यूनिवर्सिटी गेट पे पहुंच गई, बहुत कम ऐसा होता है जब यूनिवर्सिटी गेट तक जाना होता है, क्या होता है ना हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर ही टहलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब इस इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ रहती है गेट की तरफ, तो इसलिए बहुत कम आना जाना होता है, अंदर ही अंदर टहल लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे टहलने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, अच्छा आपको पता है ना वॉक करने के इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे फायदे हैं कि मैं बता नहीं सकती। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आपकी जो होती है ना शरीर जो होता है ना बहुत 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 अच्छा हो जाता है वॉक करने से। तो इसलिए आप सुबह के टाइम शाम के टाइम वॉक पर जरूर जाएँ। शाम के लौटते समय दूध ले कर लौटी हूँ और बस भगोना निकालूंगी, दूध को गर्म होने के लिए रखूंगी, रात का डिनर बनाऊंगी, देखती हूँ रात के डिनर में क्या ही बनेगा, और सिंपल कुछ बना लूंगी, थोड़ी सी करेला की सब्ज़ी बची है, और करेला के साथ तो दूध नहीं खाते, दही तो मैं कभी कभार खा लेती हूँ लेकिन दूध नहीं खाती हूँ। तो देखती हूँ जो कुछ बनेगा बनाऊंगी, लेकिन आप लोगों के साथ आज डिनर नहीं शेयर करूँगी, दूध रख दिया गर्म होने के लिए, थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है, डिनर अभी सबका हो चुका है, बर्तन वर्तन धुल दिए हैं, पतिदेव जी हमारे साथ किचन में कुछ ताम झाम कर रहे हैं, मैंने कहा आप बोतल भरिए फ्रिज में लगाइए, मैं तब तक ये ओट्स भर देती हूँ। तो ये ओट्स आप लोगों को दिखा दिया कौन सी कंपनी का है, पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अंदाज से ही ओट्स भिगो दिया, थोड़ा सा चिया सीड इसी में डाल के थोड़ा सा गाय का दूध डाल देंगे, और ये सत्तू खत्म हो रखा था तो मैंने कहा चलो सत्तू भी भर दीजिए आप और बोतल भर दीजिए, तब तक मैं ये सारे काम निपटाती हूँ। इतना काम करते करते ना कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान लग जाती है, पूरा दिन मेरा व्यस्तता भरा जाता है। अगर मैं कहूँ 1 मिनट भी मुझे आराम मिलता है तो बिल्कुल भी नहीं, जिन टाइम में मुझे आराम मिलता है तब तक किसी का फ़ोन आ गया, 2 लोगों का चलो हो गया। और दूध भी मैंने रख दिया है और ये जो ओट्स और चिया सीड मैंने भिगोया उसको भी अंदर रख दिया है फ्रिज में। आपका सुबह का नाश्ता रेडी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, उनके लिए जो वर्किंग वुमेन हैं जो ड्यूटी जाती हैं ऑफिस जाती हैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती, तो ओट्स चिया सीड इसमें आप बादाम किशमिश डाल के सेब डाल के या फिर इसका शेक भी बना के बनाना शेक पी सकती हैं, बहुत हेल्दी होता है, बहुत देर तक पेट को भरा भी रखता है। सारे काम होने के बाद मैंने सोचा चलो भाई पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स किया और पानी पिया। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर देना, मिलते हैं नए